सो अभी भी मैम उतनी कैट्स हैं या कैट्स ज्यादा हो गई हैं? आई थिंक थोड़ी ज्यादा हो गए, 151 है अभी। अरे वाह, 151। इनका नाम है माल्या। ओके। और ये आए पुणे से, ये फिश मार्केट वाले कैट है। अच्छा। और इनके सर में इतना बड़ा होल था, ये पूरा पूरा बड़ा सा होल था और ब्रेन्स वगैरह थे, मैगेट्स थे। ओके। बच्चे देते हैं और बच्चों को डिस्कार्ड करते हैं, मार्केट्स में फेंक देते हैं, तो वहीं से हम लोग उठा उठा के लाते हैं। तो आधे जो यहाँ पे हैं ये सब डिस्कार्डेड कैट्स हैं फ्रॉम मार्केट एरियाज एंड फ्रॉम अदर एरियाज वे पीपल फेंकते हैं अपने बच्चे। यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सी कैट है, आप देखोगे इसका जो पूरा हेयर कट है वो लॉयन की तरह किया हुआ है। हे हाय, पूरा लॉयन की तरह हेयर कट किया हुआ है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक पर्शियन कैट है अंदर, दो वो कैट और एक लॉयन कैट है। वो देखना, मतलब कैट्स में भी इतनी हिम्मत है कि इस बेचारी का एक पैर नहीं है एंड स्टिल वो बहुत फास्ट है। देखना, चलने की कोशिश कर रही है। और ये यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ गोवा के अंदर और गोवा में मैं फिर से आया हूँ आज कैट सेंचुरी गोवा को कवर करने। सो मैम से मिलेंगे, बहुत सारी कैट्स हैं उन सभी से मिलेंगे और साथ ही साथ उनके लिए मैं लेके आया हूँ ये कैनोफिलिया का बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट, मैजिक मैगेट। सो ये जो है मैगेट वाउंड्स को जो है क्लीन करने के लिए, अगर आपके डॉग को या किसी भी रोड चलते हुए एनिमल को या गाय को मैगेट है यानी कि कीड़े डले हुए हैं, तो अगर आप ये दवाई यूज़ करेंगे, इट्स अ नेचुरल, ये एक नेचुरल दवाई है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब ये दवाई जाएगी और वो कीड़े बाहर आ जाएंगे। सो ये मैं मैम के लिए लेके आया हूँ। और अगर आप जो है इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप कैनोफिलिया की वेबसाइट से जाके इसको ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको प्रोडक्ट को लेंगे उतना ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि फ्री में जो है ये एनजीओस को पहुंचे और एनजीओस के काम आए। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके, मेरा नाम है सोनिया स्मार्ट। हम लोग नॉर्थ इंडिया के हैं लेकिन पले बड़े हम लोग वेस्ट बंगाल में, फिर हम लोग गए थे नेपाल। नेपाल में 25 साल रह के आए और 2015 में हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ गोवा। तो जब से गोवा आए हैं तब से हम लोग ने कैट रेस्क्यू शुरू किया है। So finally I'm here. Hello ma'am, कैसे हैं आप? I'm बढ़िया, आप कैसे हो? All good, all good. आ गए फिर से? जी मैंने कहा था कि एक साल में एक इस बार दोबारा आऊंगा और दोबारा आ गया, अभी पूरे एक साल हुआ नहीं है। Let's go, आ जाओ, चलो चलो come. Amazing. So अभी भी मैम उतनी कैट्स हैं या कैट्स ज्यादा हो गई हैं? I think थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, 151 है अभी। अरे वाओ, 151 कितने थे? 140 बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ चेंज हुआ है बहुत। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कैट्स जैसे ज्यादा आई गई है। तो इनकी मतलब आफ्टर जैसे जो वीडियोस वगैरह आप डालते हो इंस्टाग्राम पे या हम मैंने जैसे वीडियोस डाली है, तो आपको लगता है कि उससे रेस्क्यू केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं या सपोर्ट ज़्यादा आता है? सपोर्ट तो आया ज़्यादा, क्योंकि जो आपने वीडियो खींची थी लास्ट टाइम तो उसके रिस्पांस में कुछ सपोर्ट थोड़ा सा आया। लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत दूर दूर से कॉल्स और मैसेजेस आने लगे कि मेरी बिल्ली ले लो, मेरे पास 10 बिल्लियाँ हैं, आपका देखा बहुत अच्छा लगा, मेरे पास बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। कि वो केसेस भी आने लग गए, ऐसा नहीं था कि सो आई हैव टू सैडली से नो, बट आई हेल्प देम इन माई ओन वे कि आप जहाँ पे भी हो शायद आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वेट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत, स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा सा नेटवर्किंग करके आई हेल्प देम इन दैट वे। तो यहाँ पर कोई ऐसी कैट जिसके बारे में, अभी कैट जो आ रही है ये इसके सिर में एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप बताना चाहोगे कुछ? ये इनका नाम है माल्या। ओके। और ये आए पुणे से, ये फिश मार्केट वाले कैट है। अच्छा। और इनके सर में इतना बड़ा होल था, ये पूरा पूरा बड़ा सा होल था और ब्रेन्स वगैरह थे, मैगेट्स थे। ओके। तो ही केम टू मी because now he is well okay. and I can take care of him. जिसने इसकी देखभाल की वो छोटे से फ्लैट में रहती है। ओके। तो ऐसे केसेस हम ले रहे हैं आजकल। वाह। ओके, सो आई हैव अ ब्रांड कॉल्ड कैनोफिलिया। सो इसके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ मैगेट। सो अगर आपके किसी भी कैट को या किसी भी एनिमल को मैगेट्स होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू इजीली अप्लाई दिस
ऑटोमेटिकली मैजिकली वो सारे के सारे मैगेट्स बाहर आ जाएंगे, दैट्स नेचुरल. बट जस्ट ट्राई कि ये किसी के आंखों से या फिर वो मतलब लिख ना करें इसको. बट इट इंक्लूड्स लाइक अश्वगंधा, टर्मरिक, नीम एक्सट्रैक्ट, सो इट्स गुड एंड इट्स आयुर्वेदिक. ओके, ग्रेट, दैट्स फॉर यू. सो आप मुझे प्लीज का रिव्यू देना आफ्टर यूजिंग. यू हैव टू यूज इट एंड आई नीड अ रिव्यू. यू हैव टू फाइंड अ कैट और अ डॉग विद मैगेट्स. यस, वी विल डू दैट. अभी यहां पर मैं देख रहा हूं ये कैट ने डायपर पहना हुआ है, सो इसको क्या प्रॉब्लम है? ये इनका देखो चीटियां लगी हुई है. इनका नाम है बाटली. ओके, और ये सीवियरली हैंडीकैप्ड है. जब ये मेरे पास आए थे ऑलरेडी 11 इयर्स के थे. और ये इनका जो है ये जॉ शैटर्ड है. इट वाज अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. और पॉज पैंजिम एक संस्था है पैंजिम्बे, तो आई सेड आई विल टेक दिस कैट. तो इसका जो जाबड़ा है वो खुलता नहीं है, वो निट हो गया है. और एक दोनों आंखें नहीं, ही इज टोटली ब्लाइंड. सो आप ऐसे भी करते हैं जैसे जो डिफरेंट एनजीओस हैं आप स्विच करते रहते हैं कुछ? नहीं, ऐसा है कि हम अभी स्पेशलाइज क्या करते हैं कि आई टेक इन ओनली कैट्स विद डिसेबिलिटीज. ओके, जिनकी आंख नहीं है, जो डेफ हैं, जिनके पैर नहीं है, तो क्योंकि हम उनको एक सेफ स्पेस दे सकते हैं. हम लोग का जो गार्डन है पूरा नेट. यस यस, और बहुत जगह है उनके लिए रहने के लिए, फ्री स्पेस है. जो मोस्ट रेस्क्यूअर्स और एनजीओज ना क्या होता है वो केज में होते हैं. और रेस्क्यूअर्स बेचारे फ्लैट में रहते हैं या छोटे से घर में लेते हैं. तो हमने कहा है, अनाउंस किया है कि आई विल टेक योर डिसेबल्ड पॉइंट. वाओ, सो दैट इज व्हाट आई डू. और इधर उधर की कैट्स जो हैं, मतलब लोग कहते हैं मेरी कैट ले लो, मेरी कैट ले लो, आई पोलाइटली रिफ्यूज देम. आई ऑफर देम सॉल्यूशंस, बट माय स्पेस इज नाउ फॉर डिसेबल्ड कैट्स. ओके, हाय. वाओ, सो इन सभी का अपना अपना पर्सनल स्पेस बना हुआ है. एंड ये अभी एंजॉय करते हैं. फीलिंग वेरी हॉट, सी. ओह, व्हाट हैपेंस. और एक और बात है, यू नो यू हैव नो चॉइस. जब लोग यहीं पर घर के सामने कैट छोड़ देते हैं तो लेना ही पड़ता है. जैसे ये, अच्छा ये घर के बाहर छोड़ के चले गए थे. ये हमारे नेबर के घर के सामने छोड़ के चले गए. अरे, सो आपको यहाँ पर, वैसे आप गोवा में रहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती लाइक फ्रॉम नेबर्स? और क्योंकि हमारे वहाँ पे नॉर्थ में तो इट्स लाइक आती थी, अब नहीं, क्योंकि अब नेबर्स हमारे समझ गए कि हम क्या करते हैं. बस जो सामने वाली एक नेबर है वो अभी तक वैसे ही है. वो सभी के होते हैं, नेचर ही ऐसा है. तो वी जस्ट इग्नोर. अदरवाइज बाकी के नेबर्स बहुत अच्छे हैं. सही, लेट्स गो. अभी अंदर चलते हैं. पहले हम लोग मार्केट में कैट्स को फीड करते थे. उसके बाद उन्हीं कैट्स को हम लोग ने स्टेरलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ये देखा था कि बहुत से अनवांटेड कैट्स हैं जो बहुत ही बैड कंडीशंस, क्रूअल कंडीशंस में रहते हैं, खास करके मार्केट्स में. क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग अपनी बिल्लियों को स्टेरलाइज नहीं करते हैं, बच्चे देते हैं और बच्चों को डिस्कार्ड करते हैं, मार्केट्स में फेंक देते हैं. तो वहीं से हम लोग उठा उठा के लाते हैं. तो आधे जो यहाँ पे हैं ये सब डिस्कार्डेड कैट्स हैं फ्रॉम मार्केट एरियाज एंड फ्रॉम अदर एरियाज वे पीपल फेंकते हैं अपने बच्चे. फिर से सभी का सेटअप, या सभी एक दूसरे से लड़ते तो नहीं है अपनी अपनी जगह के लिए ऐसा कुछ? कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती है और वो सब टेरिटोरियल है. और मोस्टली इट इज मेल कैट्स. ऐसे कुछ कैट्स हैं जो उनका नेचर ही है थोड़ा सा यू नो झगड़ा वगैरह, जैसे हम लोग ह्यूमंस भी ऐसे करते हैं. वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल कैट है. इसका कलर ही अरे अरे अरे, शी इज वेरी शाय. सो इनमें से सबसे शरारती कौन है? पुलाव. ये सबसे शरारती है. यस, हेलो. ये पुलाव जो अभी आपके वायर को वो कर रहा था ना, छेड़ रहा था, यही था वो. अरे वाह, ये भी बहुत शरारती है. है तीन टांगे ओनली. इनका नाम है पीटर पैन. पीटर इज वेरी नॉटी. हाय, शी इज, दिस इज ग्लू, शी इज डेफ. ओह, ओके. हां, वाओ. सो एक चीज, मैंने एक और चीज जानी है कि जो कैट्स होती है जो म्याओ करते हैं वो ह्यूमंस को ही करती हैं सिर्फ, दे डोंट लाइक, वो कैट्स को नहीं करती है ना? बट आई हैव सीन कैट्स टॉकिंग टू ईच अदर. ये आपस में भी म्याओ म्याओ करके बात करते हैं. अच्छा, मोस्टली उनका कम्युनिकेशन दूसरे कैट से नॉन वर्बल होता है. ओह, यप.
सही, अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे ही पिछली बार था पूरा का पूरा घर ही इनके लिए है, तो इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि हर एक कॉर्नर में कैट्स ही कैट्स हैं। वो मेरा आइसोलेशन रूम है। ओके। और अभी वहाँ पे चार छोटे बच्चे हैं जो रिकवर कर रहे हैं फीलाइन पैनिकोपिनिया से। ओके। इट इज़ अ वेरी कंटेजियस डिजीज। दे आर रिकवरिंग, दे हैव गॉट, उनके लिए अलग अलग से लोकेशन, वेरी कंटेजियस राइट नाउ। 20 दिन के लिए उनको वहीं पर रखा जाएगा बेचारे। सो यहाँ पर अभी अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे किचन में भी यू कैन सी लॉट्स ऑफ कैट। एक कैट यहाँ पर है, एक कैट यहाँ पर है। यार एक्चुअली ये दे आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ दिस हाउस। ओके। उनको अलाउड नहीं है इसके ऊपर। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, बट नो शी विल बी देयर। देखो फोर फोर ऑफ देम, इसने सिखाया है ये, इसको एक को देख के सभी के चारों के चारों सिखाया है। ये वाला जो कैट है, आप कह रहे थे स्पेशलाइज्ड, वो मान्या के साथ आया, मान्या जिसके सर में होल। हाँ हाँ हाँ। तो ये कैट भी पुणे से आया है। अच्छा। और ये ट्रांसफॉर्मर में कूद गया और इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। अरे। तो इसके पास एक टांग नहीं है, पूंछ नहीं है और एक आंख नहीं है। ओहो। बट ही सर्वाइव्ड एंड देन ही केम हियर। सो अभी ये यहाँ पे रह रहे हैं ना। हिज नेम इज जग्गू दादा। या मैडम, नॉट सपोज्ड टू बी हियर। देखो किचन में, सभी के सभी किचन में है। इसने इस जगह को अपना बना लिया। अरे ये कौन सी जगह पे रह रहे हो भाई? हेलो, मतलब हाय, प्याज आलू और सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं दे। एक्सपेंसेस आर मोस्टली फ्रॉम सपोर्टर्स। ये एनजीओ नहीं है, हम लोग ने अभी रजिस्टर नहीं किया है एज एन एनजीओ, तो कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स या कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो भी हम लोग को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस इन कैश एंड इन काइंड, वो सब सपोर्टर्स से मिलता है जो जिन्होंने हम लोग का काम देखा है। बहुत से सपोर्टर्स यहाँ पे आए हैं और ख़ुद से देखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सपोर्ट करना ही है तो हम लोग के पास UPI ID है जिससे आप हम लोग को पैसा भेज सकते हैं। मनी वी नीड टू पे ऑल आर बिल्स। हम लोग के बिल्स, खाने के बिल्स बहुत हाई होते हैं और चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं। तो मैं मोस्टली इट इज़ फूड, खाना, मेडिकल्स और मेडिकेशन। और ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट गोवा में बहुत एक्सपेंसिव है, स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए तो सपोर्ट चाहिए। बहुत प्यारी सी कैट वेट कर रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोई। आपको सभी के कैट्स के नाम याद है? यस। वाओ, 100 प्लस कैट्स के नाम याद करना बहुत मुश्किल है। So, ये भी rescued है? ये actually surrendered है। Okay. दो cats हैं जो surrendered है by the owner because she couldn't take care of them. She had some mental health issues. Okay. So, यहाँ पे जैसे अगर किसी ने adopt करनी हो कोई cat, so is it like available? हम लोग अपनी adult cats को नहीं देते हैं adoption के लिए, kittens को देते हैं। Okay. सही। चल। Come. Zoe, you will wait, okay? So, ये बहुत प्यारा सा एक इनके लिए है। अरे अरे अरे, hello hello hello. Oh my goodness, oh. ये है Zoe, I think Zoe. हाँ. नहीं था ये, अभी आई है क्या? She is in my custody. Okay. She is from an abuse case. I guess last year थी, last year नहीं मतलब last time थी ये, इस साल इसी साल आया था ना मैं, तो ये यहीं पे थी। तो ये अब तक यहीं पे आपके पास ही है? अब क्या करें, she is here, अब किसी को नहीं देंगे, I will keep her. पर इसका case वेस चल रहा है, तो अभी तक वो legal जो चीजें हैं वो अभी तक चल रही हैं। और कहाँ भेजें? She is happy over here. So, यहाँ पर बाहर सभी के सभी cats हो, देखो, अरे अरे, हाँ जी, oh, oh my. So, ये dog कुछ नहीं कहते cats को? No, they have learned to live in harmony with the dogs. Wow. Yes. We have 4 dogs. So, you have 4 dogs यहाँ पे है ना? Yeah, and that's it, no more. So, dogs का क्यों नहीं आपने कभी सोचा like? नहीं, I adore cats and there are many, 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 many dog rescuers and most of the shelters are built for dogs. Hmm. Cats ka baad mein sochte hain. Point. Toh thoda cats. Sa add kar dete hain. Ek chota sa place cats ko de dete hain. Toh ye, this is specially for cats. Hello. Are? Ye, it looks like a breed dog. It's a terrier mix. Haan. Are, 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 bhaag gaye. Haseena, yaar. Haseena. Haan. Are? Isko dekha? Haan ji. अरे भाग गए सभी के सभी। वाओ, भी को मतलब देखभाल करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए होते हैं यहाँ पे, या आप अकेले ही कर रहे हैं? अभी हमारे पास 4 लेडीज हैं। ओके। और 2 जेंटलमैन हैं, एक वो है अनिल,
जो सिर्फ गार्डन का काम ही नहीं करता है, जो भी हम लोग को मतलब छोटी छोटी रिपेयर्स वगैरह है वो सब कर लेते हैं, और हैवी लिफ्टिंग वगैरह लोग करते हैं। लेकिन चार लेडीज हैं जो सुबह सुबह आते हैं, फिर आफ्टरनून में चले जाते हैं, फिर अगेन शाम को दो लोग आएंगे इवनिंग फीडिंग। इट्स नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ सो मेनी कैट्स, राइट? सो मेनी एनिमल्स स्पेसिफिक, यू कांट डू इट अलोन। या इन द बिगिनिंग वी माय डॉटर एंड आई मैनेज्ड, लेकिन अब 151 है तो वी नीड दिस पॉइंट। यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सी कैट है, आप देखोगे इसका जो पूरा हेयर कट है वो लॉयन की तरह किया हुआ है। हाय, पूरा लॉयन की तरह हेयर कट किया हुआ है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक पर्शियन कैट है अंदर, दो वो कैट और एक लॉयन कैट है। वो देखना, मतलब कैट्स में भी इतनी हिम्मत है कि इस बेचारी का एक पैर नहीं है, एंड स्टिल वो बहुत फास्ट है। देखना, चलने की कोशिश कर रही है, और ये सबसे शरारती है इनमें। वहाँ पे एक डॉग है, उसका भी एक पैर नहीं है, बेचारी थक जाती है फिर लेट जाती है। सो यार आपको ना एग्जैक्ट यहाँ पे एक कैट दिखेगी, वाइट कलर की कैट है, और ये ऊपर ही रहती है पूरे दिन। ऊपर रहती है पूरे दिन, खाएगी, आएगी नीचे खाने के लिए, अच्छा, और फिर ऊपर चली जाएगी। इसको क्राउड्स अच्छे नहीं लगते। क्या नहीं अच्छा लगता? क्राउड्स, अच्छा भीड़। हाँ, इसको अकेला रहना पसंद है, अकेले ही रहेगी। हम लोग को बहुत प्यार करती है, लेकिन दूसरे कैट के साथ इसकी बनती नहीं है। तो इनका नाम है रूफी, क्योंकि रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह वाह, क्या करें, वहाँ उधर वो छत पे भी चढ़ी हुई है कैट। एक्चुअली व्हाट टू डू, सारी जगह एक्सेस। यहाँ पर एक और कैट है, इसकी स्टोरी आप बता रहे थे, क्या स्टोरी है इसकी मैम? इसकी स्टोरी है कि इंजर्ड कैट, स्ट्रीट कैट, उसका लेग एम्प्यूटेट करना पड़ा। ओके, तो ये भी पॉज। इधर एक और भी कैट है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर एक पानी का हुआ है, उसके ऊपर भी आपने मतलब एक बहुत अच्छा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है। अदरवाइज ये स्पेस वेस्ट है। सोर्स ऑफ वाटर, ये हर ओल्ड गोवन घर में आपको ये वेल मिलेगा। अरे वाह, बाउड़ी, बहुत सही। ओके गाइस, सो अभी हम आए हैं मैम के रूम में, और यहाँ पे भी बहुत सारी कैट्स मेरे को दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पे भी है, इधर टेबल पे भी है, इधर केज के ऊपर भी है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी कैट्स होंगी मैम? यहाँ पे 35। एंड दिस इज माय रूम, ये मेरा कमरा है, और फिर ये कमरे से आप बाहर जाओगे तो गार्डन। Yes. अरे इसके पिछले पैरों में कोई प्रॉब्लम है मैम? वो जो हमने बताया था ना, वो क्या कहते हैं उसका नाम, क्लोई। Yes, yes, yes. क्लोई के साथ ये आई थी। ओह, तो उसी, ये मेरी छोटी सी लाडली है। शी इज माय बेबी। वाओ, शी इज माय बेबी। उसको देखना वो कैसे सो रहा है। मैं सर के पास सो। अरे तो यहाँ से जैसे आप एंटर करोगे, एक तो बहुत सुंदर सा जो गार्डन है, उसके बाद इस गार्डन के अंदर आपको बहुत सारी कैट्स दिख जाएंगी। So this garden is full of cats, as I said last time as well, है ना? Okay guys, अभी आप पीछे देख सकते हो सभी cats के जो है एक treat time है, और सभी के सभी treats के लिए एकदम, you know, they are very excited. With that ma'am, thank you so much, आपने फिर से हमारे को अपना time दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं गोवा आता हूँ और आपसे मिलता हूँ, स्पेशली जब भी इनसे मिलना होता है ना, तो क्योंकि बिकॉज मेरे पास डॉग्स है घर पे, मैंने शुरू से डॉग्स रखे हैं, मैंने कभी कैट्स रखी ही नहीं, तो मेरे लिए कैट्स का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, कि मेरे को अगर एज अ एनिमल लवर, आई रियली वॉन्ट टू नो कि कैट्स का नेचर कैसा होता है, बिकॉज बहुत सारी बातें सुनी है, पर जब इनसे मिलता हूँ, इनसे इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो गाइज दे आर नॉट डिफरेंट, लाइक बिल्कुल सेम है, जैसे डॉग्स होते हैं वैसे इनको अफेक्शन चाहिए, टाइम चाहिए, बस उल्टा इनके एक अच्छी बात है बताता हूँ, कैट्स को ना इतना ज़्यादा आपका वो नहीं चाहिए, जैसे केयर, बेसिकली इनको सफाई ही अपने आप को मेंटेन कर लेती है। देयर मोर स्मार्ट, यू टेक देम फॉर वॉक्स। यस, दे डोंट नीड दैट मच एक्सरसाइज, यू नो, मतलब अगर फ्लैट में रहते हो तो वो जाएगा। सो अगर गाइस आप कोई कैट अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम, बाकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यस, सो गाइज मेक श्योर आप सभी जितने भी लोग जितना भी कोशिश कर सकते हैं, लाइक एक चीज़ एक नंबर भी काउंट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैम का इंस्टाग्राम हैंडल, मैम की UPI ID सभी की सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मैंने की हुई है। मेक श्योर जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से ज़रूर करें, एंड कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि कौन सी कैट या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट ईयर वेरी सून प्रॉबली। यस, थैंक यू सो मच मैम। ओके, कूल।